जिन लोगों का जन्मदिन 4 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाद विवाद और जीवन के तमाम तनाव दूर होंगे। कर्ज और धन के मामलों में आपको लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा है कि क्या रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, रविवार को सूर्य ग्रह का दिन माना जाता है, इसीलिए जो लोग सूर्य की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं ऐसे लोग रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करते। यानी अगर सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा हो, सूर्य से संबंधित समस्या हो, तो रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। अगर 7.5 या ढैया चल रही हो और आपको इसके अशुभ फल मिल रहे हो तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाइएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर कष्ट ज्यादा हो तो शनिवार को तेल में अपना चेहरा देखकर तेल भी दान करिएगा, जिसको छाया दान कहते हैं। और भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आचरण व्यवहार ठीक नहीं होगा तो इन उपायों को करने से आपको लाभ नहीं होगा। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तो हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन जरूर करिएगा। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिएगा। इससे 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।